धामनोद में लोकायुक्त की संयुक्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी धामनोद के सहायक यंत्री संविदा हेल्पर नरेश कुमार नागेश्वर को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। धामनोद में की गई कार्रवाई। आवेदक अजय पिता गणेश पाटीदार द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर संभाग के समक्ष उपस्थित होकर एक आवेदन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि उसके पिता और बड़े भाई का संयुक्त परिवार है। उनके घर का बिजली का बिल बड़े पिता महादेव पाटीदार के नाम से आता है। करीब 15 दिन पहले सहायक यंत्री श्री रंजीत कुमार उनके घर आए और घर पर लगा मीटर लेकर चले गए। पूछे जाने पर कि मीटर क्यों निकाल रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि मीटर में कुछ गड़बड़ी है, ऐसा कहकर मीटर ले गए तथा मीटर निकालने का कोई पंचनामा भी उन्होंने नहीं दिया। उन्हीं के साथ लाइनमैन ने डायरेक्ट लाइट का कनेक्शन कर दिया। इसके बाद सहायक यंत्री ने बोला कि तुम अवैध कनेक्शन कर बिजली चोरी कर रहे हो, तुम्हारा बिजली चोरी का प्रकरण बनवा दूंगा, तुम मुझे 70,000 रूपए दो तो तुम्हारा मीटर वापस करवा दूंगा। इस पर लोकायुक्त के द्वारा आवेदक के साथ आरक्षक कमलेश परियार को साक्षी के रूप में बातचीत करने के लिए कहा गया। बातचीत के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर ट्रैप दल गठित कर आरोपी को आवेदक से संविदा हेल्पर नरेश कुमार नागेश्वर के माध्यम से 40,000 रूपए की रिश्वत लेते रंगो हाथे पकड़ा गया। रंजीत कुमार सहायक यंत्री तथा नरेश कुमार नागेश्वर संविदा हेल्पर मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी धामनोद के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।